जैसे ये बिल होता है ये ड्रोर अपने आप ओपन हो जाती है। अब ये जो एप्पल ट्रॉली है इसकी एक खासियत है, ये हैंडल ऐसे खुल जाता है और इसके व्हील्स होते हैं, आप ऐसे मूव कर सकते हो। 13x40 का मॉल बनकर तैयार है। उस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि रैक का कितना खर्चा आया, लाइट्स का कितना खर्चा आया और यहाँ पे जो बास्केट्स हैं उनका क्या एक्सपेंस आया, मतलब टोटल खर्चा बताया जाएगा इस पूरी वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम रैक से। जैसे हमने यहाँ पर वॉल रैक लगाए हैं और लगभग इसकी जो हाइट रखी है ना 7 फीट रखी है। इसमें बड़ा ही प्यारा लुक आता है अगर हम डार्क शेड पे मटेरियल लगाते हैं। देख सकते हो आप कितना हाईलाइट हो रहा है मटेरियल यहाँ पे सारा, और रैक है ना पीछे डार्क शेड में और ये वाइट स्ट्रिप है। जैसे हमारी कंपनी का नाम हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर है ना प्राइस लिस्ट वगैरह भी आ जाती है। जैसे 5% ऑफ आप मार्कर से भी लिख सकते हो नॉर्मल, और उससे भी बड़ा प्यारा लुक आता है। और ये सेंटर रैक है, इसकी भी हाइट अप्रोक्सीमेटली 6 फीट है इसकी हाइट। और इसमें वायर स्टॉपर हमने लगाए हैं। जब ये वायर स्टॉपर लगते हैं तो मटेरियल का डिस्प्ले कितना प्यारा हो जाता है आप देख सकते हो। जितनी प्यारी शॉप होगी उतनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी। अब जैसे यहाँ पे हमने एसी के लिए ना जगह छोड़ दी है, इतना एरिया है ऊपर, तो ये कटिंग हो जाता है, मतलब रैक के अंदर ही स्ट्रक्चर में कटिंग हो जाती है। अभी हम आगे आते हैं। जैसे यहाँ पर आटा वगैरह रखा है या चावल के कट्टे हैं, तो ये पूरा पैलेट एरिया है। नीचे देखो पैलेट रखा हुआ है, इसके बिना आप इसे मत रखना, नहीं तो है ना जो जो फूड का लाइसेंस होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। FSSAI का लाइसेंस है ना कैंसिल हो जाएगा अगर आप इसको डायरेक्ट ज़मीन पे रखोगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आप ये ब्रांडिंग भी कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का, ये भी आपको मिल जाएगा हमारे पास। यहाँ पर कॉर्नर रैक दिए गए हैं। और जो ये लाइट्स का खर्चा आया है, लाइट्स का जो खर्चा है अप्रोक्स 11,000 रुपये पूरी शॉप का आया है। एक बार मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको, मेरे बैक साइड में पूरा लाइट्स ही लाइट्स जितनी भी लगी है 11,000 रुपये का लगभग खर्चा है इसका। और जैसे यहाँ पर पिलर था, तो पिलर पे है ना टांगने का सामान दे दिया गया है। मेरी कई सारी वीडियोस में भी मैंने ऐसे यूटिलाइज़ किया है, तो टांगने का ये सामान होता है। सेकंड थिंग, ये सर ने है ना खुद ही बनवा लिया था यहाँ वुडन का, कम स्पेस था तो यहाँ पे वुड का ही स्ट्रक्चर है, तो मंदिर में जो आइटम लगती हैं वो सारा सामान इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं इस शॉप के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है। लगभग 12-13 लाख रुपए का मटेरियल इसमें भरा हुआ है। इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा है, वो आपके ऊपर आपको कैसे भरना है। आप चाहो तो 25 लाख का भी भर सकते हो। जैसे कहीं पे अगर चिप्स के पैकेट भर दोगे तो कम रेट में भी काम चल जाएगा। और ये आपका कॉस्मेटिक्स में आ गया, तो सर ने कॉस्मेटिक का भी पोर्शन दिया है। नीचे मैंने इंस्टाग्राम लिंक दिया, वहाँ पे आपको इस शॉप की सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हो इस शॉप की फ़ोटोज़। अब ये यहाँ पर हमारे रैक हैं, और मेरे राइट में है ना फ्रीजर का एरिया है, तो लाइट वाला फ्रीजर आप लगवा सकते हो। वेस्टर्न कंपनी का लगवा लो या किसी भी कंपनी का मिल जाता है, अगर वो ऑर्डर करना चाहते हो वो भी वहाँ पर मिल जाएगा आपको। और देन यहाँ पर आएंगे तो पिलर स्पेस है यहाँ पर, तो ये इस पर भी हमने एरिया कवर किया मैक्सिमम। और यहाँ पर ऊपर फ़ैन का पोर्शन दिया गया है। बिलिंग एरिया है यहाँ पर, बिलिंग एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे बिलिंग सिटिंग एरिया है यहाँ पर, और आराम से बैठ के बिलिंग हो सकती है। यहाँ पे लेफ्ट में जगह खाली थी, तो जितने है ना हमने प्रोडक्ट लगवा दिए यहाँ पर, तो ये ग्लास का शेल्विंग करवा सकते हो आप अपने आप खुद भी, और इसमें सारे प्रोडक्ट आपके लग जाएंगे, ठीक है ना। बैक साइड में सर ने मंदिर बनवा लिया, और यहाँ पर भी हमने टांगने का बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया है। ये जैसे सेल की आइटम है या कुछ भी है, ये रेगुलर यूज़ में है, तो इन चीज़ों का है ना काउंटर के पास रखना चाहिए। और ये जिलेट की काफ़ी महंगी आइटम आती है, इस कारण से है ना रैक को है ना इस वाले रैक को बिल्कुल काउंटर के पीछे लगाया गया है। एक और चीज़ खास बात जो है बिलिंग की, जैसे बिलिंग करनी होती है तो ये देखो टेबल पे है ना हमने रख रखा है, तो यहाँ स्कैन हो जाता है, अभी ये स्कैन हो चुका है। और जैसे ये बिल होता है ये ड्रोर अपने आप ओपन हो जाती है, इसमें आपको है ना ड्रोर ओपन करने की जरूरत नहीं, और ये बिल है ना ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है ऐसे, ठीक है। और ऐसे आप कस्टमर को निकाल के बिल दे सकते हो, और ये ड्रोर आप मैनुअल बंद करोगे बंद हो जाएगी। ये शॉप के पास है ना एक छोटा सा एरिया है, और यहाँ पर है ना इन्वर्टर का पोर्शन दिया गया है, तो ये इसको बंद कर दिया गया। अंदर कुछ भी सामान आप रख सकते हो, इन्वर्टर या जो भी ऐसे आइटम है फालतू के जो दिखे ना विजिबल ना हो वो यहाँ आ सकते हैं। फिर ये बास्केट आती है, ये 250 से 300 रुपये की रेंज में मिल जाएगी आपको हमारे पास, और ये 1700 से 2000 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। एप्पल की ट्रॉलीज़ होती हैं। अब ये जो एप्पल ट्रॉली है इसकी एक खासियत है, ये हैंडल ऐसे खुल जाता है और इसके व्हील्स होते हैं, आप ऐसे मूव कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर है ना बहुत कम स्पेस है, तो इस वजह से है ना इस तरह की एप्पल ट्रॉली चलेगी, नॉर्मल ट्रॉली नहीं चलती यहाँ पर। तो
इस तरीके से, ठीक है। अगर किसी को जाना है वो साइड से जा भी सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसको अगर हम बंद करके ऐसे हैंडल से उठाएंगे तो ये ज़्यादा वेट भी नहीं है इसका, उठा के भी रख सकते हैं इसे ऐसे। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे। शॉप की लोकेशन मैंने वीडियो के नीचे मेंशन कर दिया, आप वहाँ जाके विज़िट करके देख सकते हो। थैंक यू।